स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल बाबा टेक पे। दोस्तों मैं हूं अल्तमश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने वीडियो का टाइटल चेंज कर सकते हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप नए नए यूट्यूबर्स होते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अपने वीडियोस में टाइटल नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से आपको आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आ पाते। ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने वीडियो का टाइटल सर्च करते हैं और टाइटल सर्च करने के बाद आप अपने वीडियो में टाइटल चेंज कर सकते हैं और टाइटल चेंज करने के बाद ज्यादा से ज्यादा आप अपने वीडियोस को लोगों को सजेशन में भेज सकते हैं, सर्च लिस्ट में भेज सकते हैं या फिर लोगों के स्क्रीन पे भेज सकते हैं। ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बाबा टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे तो आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियो है जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल के और लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने अपने वीडियो का टाइटल चेंज कर पाते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ पे से पहले हम सर्च करते हैं youtube.com। जैसे हम youtube.com सर्च करते हैं तो हमारे पास यूट्यूब की होम स्क्रीन खुल जाती है। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। अगर आपने लॉगिन कर रखा होगा तो आपको यहाँ पे अकाउंट्स प्रोफाइल मिल जाएगा। अकाउंट्स प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड में कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर पे मिल जाता है ऑप्शन यूट्यूब स्टूडियो। जैसे आप यूट्यूब स्टूडियो को क्लिक करते हैं तो आप यूट्यूब के स्टूडियो पेज पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पे आपके चैनल का डैशबोर्ड मिल जाता है। इस एक्टिविटी को अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे आते ही यहाँ पे आपको जाना सबसे पहले गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाते ही यहाँ पे आपको सर्च करना है youtube.com। जैसे आप youtube.com सर्च करेंगे तो आप यूट्यूब के होम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। होम स्क्रीन पे पहुंच जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में मिल जाता है थ्री डॉट्स पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है नीचे से तीसरे नंबर पर डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पीसी के स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। अब जिस तरह से ऑप्शंस पीसी में आएंगे वैसे ही ऑप्शंस आपके मोबाइल में भी आएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखें और फॉलो करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आज की इस वीडियो में अपलोडेड वीडियो का टाइटल चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। यहाँ पे हमें मिल जाता है कंटेंट का ऑप्शन। कंटेंट का ऑप्शन जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी वीडियो यहाँ पे आपने अपलोड कर रखी है वो सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप जिस वीडियो का भी टाइटल चेंज करना है पहले उस वीडियो को ढूंढना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हम इस वीडियो का टाइटल चेंज करना चाहते हैं और इसके लिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है डिटेल का। जैसे हम डिटेल पे क्लिक करते हैं तो हम एडिट स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जो हमने वीडियो का टाइटल डाल रखा है वो टाइटल यहाँ है और उसे हमें चेंज करना है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस वीडियो में, वो सभी चीजें कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल हम इसे चेंज करना चाहते हैं हेल्पलाइन नंबर। यहाँ हमने अपना टाइटल चेंज कर दिया है, जो हमारा पहले टाइटल था उसे हमने बदल दिया है। और आगे जो हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत जरूरी होता है किसी भी वीडियो के लिए कि आपको आपके टाइटल सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद कॉपी करना होता है और डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको इसी को पेस्ट करना होता है। जब आप इसे पेस्ट कर लेते हैं उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। जब आप अपनी वीडियोस का टाइटल चेंज कर चुके हैं और टाइटल चेंज करने के बाद सभी चीज आप देख चुके हैं उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है सेव का। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो का टाइटल चेंज हो जाता है। यहाँ देखें चेंज सेव्ड लिखा रहा है, वीडियो का टाइटल सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और अब आपकी वीडियो पुरानी टाइटल से नहीं इस टाइटल से सर्च की जा सकती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद किस तरह से आप अपने वीडियो के टाइटल को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने वीडियो के टाइटल को सर्च कर सकते हैं। ये सभी चीजें मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।